भैया आपके लोको पायलट और आप स्टेशन मास्टर है, स्टेशन मास्टर है जी। तो ज्यादा अच्छी जिंदगी किसकी चल रही, लोको पायलट की स्टेशन मास्टर की? और हम क्या करते हैं भाई, टिकट आए चेक करने, वो वही रास्ते में रुका और हमने उसे फिर टूर आराम शुरू कर दिया, मार मारपीट शुरू कर दिया। तो ज्यादातर लोग होते क्या, वो सीधे अंदर घुस जाते हैं स्टेशन में, स्टेशन मास्टर के पास या बाकी लोगों के पास। ऐसा हुआ कभी? हाँ हुआ, हमारे यहाँ पैसेंजर का टिकट, पैसेंजर का वो आदमी ने पैसेंजर का टिकट लिया, पैसेंजर का टिकट 10 रुपए का होता है, कैंसिलेशन चार्ज 30 रुपए होता है। तो वो टिकट रिटर्न करने के लिए आया था, उसने कहा जॉब पे रहते वक्त भी और इसमें आपको समस्या देखने को मिली, ऐसा कुछ भी जो घटना हुई हो? देखो ड्यूटी के टाइम ऐसा, हमारा जो स्टेशन है उसके जस्ट नेक्स्ट में पड़ता है मस्कनवा स्टेशन। तो एक बार ऐसा हुआ कि उन दोनों सेक्शन के बीच में आके लोको फेल हो गया, इंजन फेल हो गया, गाड़ी बीच में रुक गई। अगला स्टेशन बोला कि गाड़ी यहाँ से चली जा चुकी है और हमारे यहाँ गाड़ी रिसीव नहीं हुई है। हाँ। तो काफी देर तक वेट करते रहे, वेट करते रहे। हाँ। तो 15 से 20 मिनट हो गया। भाई बीच में कौन ले गया इसको? कार ले गया। अब इसमें MD क्लासेस जब CBT 1 होने वाला था उसके पहले जब एग्जाम के रिव्यू आने शुरू हुए तब हमने आपका वीडियो देखा था। हमने एक दो वीडियो देखे, हम एकदम फैन हो गए, हमने कहा ये सही जगह है। तब भटक के अब सही जगह आ गए। तो रिकॉर्डेड बैच लिया आ रहे हैं क्योंकि 24 की वैकेंसी आ गई है, 11,000 से ज्यादा। हाँ जी सर। नए बच्चे आ रहे हैं तैयारी करने लिए, इनको लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि ये कैसे पढ़ें शुरुआत से लेकर अंतिम तक? आज हमारे साथ है विनय कुमार जी, और विनय का जो सिलेक्शन है वो स्टेशन मास्टर पर हुआ है 2019 वाली भर्ती में। विनय सिंह सर। अच्छा, और ज्वाइनिंग करने में कितना समय हो गया विनय आपको? 9 जनवरी 2023 से मेरी ज्वाइनिंग है सर। लगभग 1.5 साल हो गया। डेढ़ साल हो गए सर। अच्छा, और पहली पोस्टिंग कहाँ मिली थी? नहीं, पहले वही इनिशियल पोस्टिंग ही मेरी यहीं पे है। अच्छा। क्योंकि RRB लखनऊ से हमने अप्लाई किया था। अच्छा, RRB हमें अलॉट हुआ लखनऊ डिवीजन। RRB लखनऊ मतलब RRB गोरखपुर से? RRB गोरखपुर से, हाँ। डिवीजन हमें लखनऊ में अलॉट हुआ। अच्छा। और पहला स्टेशन अलॉट हुआ था वही स्वामी नारायण छपिया नाम से है, गोंडा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो बहुत फेमस है बहुत। तो उसमें भीड़ जो है कि आदमी जो है बाई रोड ही ज्यादा ट्रेवल करता है? हाँ नहीं, भीड़ भाड़ स्टेशन पे होती है क्या, वहाँ एक्सप्रेस का भी स्टॉपेज है। हाँ। और साथ में मंदिर की वजह से वहाँ लोग आते जाते रहते हैं, गुजरात से मैक्सिमम लोग आते हैं। अच्छा, जो बच्चे नहीं जाते उन्हें बता दे कि स्वामी नारायण छपिया एक फेमस मंदिर है यहाँ पर, और भगवान कृष्ण का मंदिर है साथ ये। हाँ हाँ, भगवान स्वामी नारायण के नाम से है, भगवान कृष्ण को ही लोग पूजा करते हैं। पूजा करते बहुत फेमस, हम भी एक दो बार आ चुके हैं। और अमृत भारत में स्टेशन भी आ गया तो बहुत तगड़ा डेवलपमेंट रखा है स्टेशन का। तो आपके स्टेशन पे कितने स्टेशन मास्टर हैं? हमारे यहाँ 6 हैं। 6 स्टेशन मास्टर, यानी बड़ा हो गया आपके पास। 6 स्टेशन मास्टर। हाँ हाँ। और सारे नए जो आएंगे इसमें कुछ सीनियर भी? नहीं, दो हम लोग नए ज्वाइनिंग में आए थे अब इस बैच से, बाकी सब पुराने लोग हैं। और रहने वाले कहाँ के आप भी? नहीं, रहने वाले तो संत कबीर नगर के हैं। संत कबीर नगर गोरखपुर में भी आवास है अपना, संत कबीर नगर में धनेटा के पास पारा हरगोविंद करके गाँव है, वहां से आते हैं, काली जगदीशपुर के आसपास। हाँ हाँ एकदम सर, उधर ही है। और गोरखपुर में आप? हम भी गोरखपुर के रहने वाले हैं। हाँ सर, क्या है कि गोरखपुर में भैया लोको पायलट हैं। अच्छा। तो गोरखपुर में रुस्तमपुर में रहते हैं सर लोग, तो रुस्तमपुर हाले पे। हाँ हाँ सर। तो भैया आपके लोको पायलट और आप स्टेशन मास्टर हैं। स्टेशन मास्टर हैं जी। ज्यादा अच्छी जिंदगी किसकी चल रही, लोको पायलट की स्टेशन मास्टर की? सर ऐसे देखा जाए तो जिंदगी सबकी अच्छी है, बस उसमें रनिंग हो जाता है थोड़ा। हाँ। और यहाँ फिक्स रोस्टर रहता है तो ये नहीं ज्यादा भागा दौड़ नहीं रहता, पता होता है। चलिए, फिलहाल उनका भी अब मेल एक्सप्रेस में चलते हैं तो। हाँ सर। और कोई आपके भाई बहन है, वो लोग क्या करते हैं? हाँ मेरी सिस्टर है, वो BPSC टीचर में हो गया था उसका, तो वहाँ पे ज्वाइन है। अरे वाह। और माता पिता क्या करते हैं आपके? फार्मर है, किसान है पिताजी।
और माता घर पे ही रहते हैं। मतलब आप लोगों ने, तीनों लोगों ने नौकरी हासिल कर ली और लगभग जितनी जो दुख परेशानियां थे वो सब दूर हो गया। अरे सारे मिडिल क्लास के लिए तो यही तो होता है, यही होता बिल्कुल, क्योंकि यही ऐसे पढ़ाई। जब हमने पढ़ाई कंप्लीट करी, बीटेक कंप्लीट किया, तो नॉर्मल ऐसे 15,000-18,000 की नौकरी स्टार्ट हाँ होती है जो आदमी जाता है। सही, फिर सही बात है। हाँ सबसे अच्छा ऑप्शन यही होता है, अगर कोई गवर्नमेंट नौकरी मिल जाती है मिडिल क्लास आदमी को, तो एक बेटर स्टार्टिंग मिल जाती है। गवर्नमेंट मिल जाती भले सैलरी कम, लेकिन सुकून होता है कि भाई चलो सरकारी नौकरी है, कभी आगे जाकर समस्या नहीं हाँ, होती। सुकून। तो आपकी एमडी क्लासेस हाँ मुलाकात कब हुई इस पूरे तैयारी में, क्योंकि आप प्राइवेट इंजीनियर थे, फिर एमडी क्लासेस कहीं तो आपने तैयारी सोची होगी रेलवे की। नहीं, उसके जैसे पहले प्राइवेट में हम कर रहे थे, तो लोको पायलट की वैकेंसी आई थी उस टाइम, हम उसमें अच्छा, मेरा CBT 1 भी गया था, CBT 2 भी नेट की गया, शायद आपके पास शायद समय कुछ चल नहीं गया। में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो वहां से रह गए। हाँ और यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी मेरा हो रखा था, इसमें रनिंग नहीं हुआ अच्छा, ऐसा हुआ। और फिर इसमें MD क्लासेस जब CBT 1 होने वाला था, उसके पहले जब एग्जाम के रिव्यू आने शुरू हुए, तब हमने आपका वीडियो देखा था, हमने एक दो वीडियो देखे, हम एकदम फैन हो गए, हमने कहा ये सही जगह है, तब भटक के अब सही जगह आ गए। फिर ऑफिस से वीडियो टू आपने फिर वो सही लगा आखिर के एक क्लास हजार करा होगा। क्वेश्चन हाँ, वहां से CBT 1 से ज्वाइन किए, पूरा फाइनल तक वहीं बने रहे। अच्छा और जैसे जब CBT 1 का जो रिव्यू आ रहा था, तो आपने 1,000 क्वेश्चन की PDF भी लॉन्च करी थी, हमने उसको भी परचेज करा, हाँ वो भी तो बहुत बेहतर हेल्पफुल थी, रहा। मतलब उस समय भी, हाँ और हम मतलब या उसके बाद हमने कंटेंट पे बहुत फोकस किया। जैसे अभी हमारे पास कंटेंट में सोचे 20 से ज्यादा लोग सिर्फ कंटेंट बनाते हैं। अब इसके बाद हमने इतना हाँ स्कूल पे बच्चों को रेलवे के लिए या बाकी सबके लिए फ्री बुक दे दिया। जैसे एक दिन जीडी का बच्चा हमारे पास आया, उसने बताया कि सर जी उसने कोई क्वेश्चन नहीं लिया था, सिर्फ 49 रुपए की PDF खरीदी और उससे पढ़ा, बहुत क्वेश्चन फंस गए। हाँ साइको आपने कहाँ से तैयारी करी थी भाई फिर? अरे साइको तो हमने नवादा से ज्वाइन किया था, अच्छा और ऑनलाइन आपके यहाँ से भी देखा था, हाँ, हमारे क्या और वर्कशॉप वो थे। तो यूट्यूब पे थोड़ी से थोड़ी चलाई गई थी, वो देखा था, और बाकी वहाँ से कर लिया था साइको के लिए, क्योंकि CBT 2 एक बार पहले साइको में रह गए थे तो बड़ा डर था वो, डर सही बात है। था। और हम लोगों ने लेकिन साइको में मतलब हमें ये लगता है कि अगर हमारे पास, क्योंकि बच्चे तो बहुत थे उस समय, 8-10 हजार के आसपास तो सिर्फ साइको में एडमिशन थे, वो भी 500 रुपए की फीस थी, तो ये तो नहीं कह हाँ सकते, लेकिन ये था कि बहुत अच्छा सिलेक्शन दिया था। और वर्मा सर ने जिस हिसाब से पढ़ाया था, जिस हिसाब से जिम्मेदारी निभाई थी, साइको की बहुत काबिले तारीफ रही थी। हाँ बिल्कुल, हमने देखा हर टीम के, जैसे CBT 2 का एग्जाम जो हम लोग देने जा रहे थे, हमारा सेंटर गया था रांची, तो वहां तक जाना था, तो रास्ते में यहीं से शुरू किए, वो 12 घंटे का कंटिन्यू एक मैराथन हुआ था सर, हाँ वो VK सर ने लिया था, हाँ हाँ वो बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया रहा, सही बात है। फिर आएगी पूरे 12 घंटे रास्ते ट्रेन में देख पूरे रास्ते में ट्रेन में देखते चले गए, वहां तक रांची पहुंच गए। अच्छा, अब आपका और आगे का क्या उसमें से सपना है, नहीं, डिपार्टमेंटल एग्जाम देना है कि और क्या करना है? डिपार्टमेंटल एग्जाम भी देना है, और बाकी आगे भी देख रहे हैं, कोई एग्जाम अगर होता है तो, चलिए ठीक है। तो बाकी अभी यूपी पुलिस में हेड ऑपरेटर आ रखा था, उसका दे रखा था, तो हाँ, अब हमें नहीं लगता कि 120 के आपको आस करना है। हाँ हाँ 120 के आसपास उसमें जी आंसर किया थी, क्वेश्चन करेक्ट थे मेरे, बाकी तो इसके फिलहाल लेवल बाद सिक्स ग्रुप में में ये भी आज है, आपको बेटर कुछ है। छुट्टी है? नहीं आज रेस्ट है मेरा, जैसे रेस्ट रोटेशन में होता है, हर 6 दिन पर 7वां दिन अपना रेस्ट होता है, हाँ, वो आपस में म्यूचुअल तो जो भी। अंडरस्टैंडिंग हाँ इतना हो जाए कलीग से अपने। हाँ हाँ ऐसा भी होता है, बाकी रोटेशन जो अपना पड़ रहा है, किसी का मंडे पड़ रहा है वो कंटिन्यू चल रहा है, अगर किसी को जरूरत लगी तो 1-2 दिन पहले रेस्ट कर लिया, 1 दिन बाद कर लिया, चलिए। ये होता है। और स्टेशन और मास्टर का, हमारे जैसे यहाँ अभी से हमने हाँ इंटरव्यू तो खूब लिए लोगों के, तो बेसिकली अगर हम काम की बात हाँ करेंगे, तो आपके हिसाब से स्टेशन मास्टर का काम क्या है और प्रायोरिटी पे क्या चीज है कि ये करना ही करना है? करना ही करना है। जैसे स्टेशन मास्टर जो है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आता है, जो ट्रेनों का संचालन है उसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, तो ये तो हमको करना ही करना है, जो जितने भी गाड़ियां चल रही हैं उनको लाइन क्लियर देना, लाइन गाड़ियों का अराइवल होना, गाड़ियों का डिपार्चर होना, वो सब हम लोगों पर डिपेंड करता है, या गाड़ियों को किस लाइन पे हमें लेना है, किस प्लेटफॉर्म पे आनी है, वो सारा डिसीजन हम लोगों का होता है, तो ये तो एकदम प्रायोरिटी का काम है, ये तो करना ही करना है। अच्छा, कोई फायदा आपने उठाया कि भाई मैं स्टेशन मास्टर हूँ, कभी कोई आए घर से या कोई कहीं जा रहा है तो कहा कि अच्छा मम्मी परेशान ना हो, टिकट हो जाएगा? टिकट के लिए तो सर बहुत ज्यादा एकदम मना करना पड़ता है लोगों को, क्या भाई सोचना परिवार पड़ता है, क्या बहाना,
क्या बहाना बताएं, अब डेली 4-5 लोगों के तत्काल टिकट कैसे हो सकते ऐसे हो सकता है, सही हैं। बात है। चलिए छपिया बिलाल, कभी हम आएंगे तो आपसे मुलाकात जरूर करेंगे, आप स्टेशन पर ही हैं। जरूर जरूर सर, वेलकम रहेगा स्टेशन पर, और कोई एमडी क्लच स्टेशन कभी पर। बात ऐसे हुई नहीं होगी एमडी क्लच से बाकी सबको लेके। नहीं, एक लड़का था तो वो आर्मी से आया हुआ है, हाँ जो हमारे साथ बैच में आया, तो हाँ। वो तो बुक से ही प्रिपरेशन करता था, क्योंकि वहां बताता था नेटवर्क वर्क का इतना सिस्टम थोड़ा सही नहीं रहता था। अच्छा, हम लोग थोड़ी पढ़ाई की बात बाकी। करते हैं। जैसे हाँ ये सर, समस्या काम, क्योंकि सबको पता है कि वो स्टेशन मास्टर है, जैसे क्लास मास्टर है, एक क्लास की जिम्मेदारी संभालना, उसके बाद स्टेशन की जिम्मेदारी संभालना, तो हाँ 6 में और भी नौकरियां हैं, लेकिन स्टेशन मास्टर के पास जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। हाँ बिल्कुल सर। हम जिम्मेदारियों में जैसे हम लोगों के पास ऑपरेटिंग के साथ साथ कमर्शियल की भी जिम्मेदारी हम लोगों के पास आ जाती है। बड़े स्टेशन पे अलग से डिपोटेड होते हैं लोग, लेकिन छोटे स्टेशन पे कमर्शियल के लोग नहीं होते हैं, वो भी हम ही लोगों को देखना होता है, अच्छा, कितना कोई कैश ऐसा कलेक्ट हो घटना रहा है, जो आप कितना बता जा सकते रहा हैं है कि सब। आपके जॉब पे रहते वक्त हुई और इसमें आपको समस्या देखने को मिली, ऐसा कुछ भी जो घटना हुई हो? घटना मतलब है ड्यूटी के टाइम में सर। हाँ ड्यूटी के टाइम में ऐसा है, हमारा जो स्टेशन है उसके जस्ट नेक्स्ट में पड़ता है मस्कनवा स्टेशन। तो एक बार ऐसा हुआ कि उन दोनों सेक्शन के बीच में आके लोको फेल हो गया, इंजन फेल हो गया, गाड़ी बीच में रुक गई। अगला स्टेशन बोल रहा है कि गाड़ी यहाँ से चली जा चुकी है और हमारे यहाँ गाड़ी रिसीव नहीं हुई है। हाँ तो काफी देर तक वेट करते रहे, वेट करते रहे, तो हाँ 15 से 20 मिनट हो कि भाई गए। बीच में कौन ले गया इसको, अब कहाँ ले गया? हुआ क्या, हमारे यहाँ 3 गेट हैं, तीनों गेट हमने बंद करवा रखे, सिग्नल हमने ग्रीन कर रखा है, गेट पे भीड़ हो गई, जाम लगने लग गया। दिक्कत ये होती है, गेट का कंट्रोल हमारे पास होता है, जब तक हम नहीं अलाउ करेंगे तब तक गेट खुलेगा नहीं, और गाड़ी आएगी नहीं तब तक हम खोल भी नहीं सकते। वहाँ गेट पे भी हंगामा होने लग गया और गाड़ी का भी जानना जरूरी है। तो काफी देर बाद पता चला, आरपीएफ बुलवाया गया, पहले तो गेट पे भेजा गया कि मारपीट ना हो जाए, हाँ सही बात है। तो क्योंकि आरपीएफ गेट वगैरह मैन को तो बेचारा आपको भी अकेले आता है कि होता है। कैसे, क्या प्रोसेस होता है? नहीं, आरपीएफ वाले के लिए सीधा कंट्रोल में हम नोट कराते हैं, वो तो 24/7 कनेक्ट रहता है हमेशा, बस फोन उठाया बोल दिया कंट्रोल में ये दिक्कत है, तुरंत से आरपीएफ आ जाएगी। अच्छा। उसके लिए प्रॉपर एक मेमो लिख के देना होता है कि ये दिक्कतें थी अटेंड करिए, हो सकता था होता है। मतलब ये सारे काम हम लोगों के मेमो लिख के चलते हैं, जो भी काम करवाना है लिख के दे दीजिए, काम हो जाएगा। काम हो जाएगा। तो फिर इसका रिजॉल्व कैसे हो, फिर पता चला कि भाई ट्रेन का लोको जो है वहां पर है और ऐसे ऐसे समस्या आ गई है? नहीं, वीएचएफ होता है, वीएचएफ से कांटेक्ट हुआ काफी देर बाद, तो ये डाउन की गाड़ी थी, अप से गाड़ी जा रही थी, तो अप की मालगाड़ी जो निकली तो इन लोगों ने सेफ्टी के लिए बगल वाली लाइन में पटाखा लगा दिया। तो पटाखा जब फूटता है तो गाड़ी रोकना होता है, ये रूल में। तो दोनों लाइनें हमारी जाम हो गई और रात में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को बुलाया गया, पूरा ट्रैक चेक करवाया गया, कहीं ट्रैक में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 4 किलोमीटर पैदल चल के पूरा ट्रैक चेक किया, फिट दिया, फिर गाड़ियों का संचालन शुरू हुआ। वो इंजन जो फेल हो गया था, हमारे यहाँ एक मालगाड़ी खड़ी थी, उसका इंजन काट के वापस उल्टी साइड रॉन्ग साइड में भेज के फिर उसको ले आया गया गाड़ी पूरी स्टेशन, फिर वो आगे गई गाड़ी, फिर मालगाड़ी के लिए दूसरा गोंडा यार्ड से इंजन आया, उसको जोड़ के भेजा गया। कभी अच्छा, कभी तो हो मान जाता है, अगर लीजिए कि नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे अभी होता क्या कि हम जैसे स्टेशन पे मान लीजिए गए और हम टिकट नहीं लिए, या हमने हाँ टिकट लिया है और हम क्या कहते हैं भाई टिकट हाँ नहीं आए चेक करने, वो वही रास्ते में रुका और हमने उसे फिर टूर आराम शुरू कर दिया, मार मारपीट शुरू कर दिया, तो ज्यादातर लोग होते क्या, वो सीधे हाँ अंदर घुस जाते स्टेशन में, स्टेशन मास्टर के पास या बाकी लोगों के पास, ऐसा हुआ कभी? हाँ हुआ हमारे यहाँ पैसेंजर का टिकट, पैसेंजर का वो आदमी ने पैसेंजर का टिकट लिया, अब पैसेंजर का टिकट 10 रुपए का होता है, कैंसिलेशन चार्ज 30 रुपए होता है। तो वो टिकट रिटर्न करने के लिए आया था, उसने कहा कि टिकट भैया हमें वापस करना है। तो हम लोग उसको समझा रहे थे, हमारे यहाँ एसटीबी है, तो समझाया जा रहा था कि टिकट वापस नहीं हो पाएगा, 30 रुपए तो कैंसिलेशन चार्ज होता है, अब ये टिकट वापस नहीं होगा। वो जबरदस्ती करने लग गया, अंदर घुसा है, वीडियो बनाने लग गया कि हम एक्सपोज करेंगे, कंप्लेन करेंगे, आप टिकट नहीं वापस कर रहे हैं, आप लोग पैसे घोटाला कर जाते हैं, खा जाते हैं। ऐसी भी समस्याएं आती हैं, लेकिन तो तब फिर से आपको तो निपटना ही पड़ता आरपीएफ है। बुलाया होगा, हाँ, आरपीएफ। आरपीएफ तो 24 घंटे स्टेशन पे एक एक कोई ना कोई रहे, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। खैर, आप कब जा पाते हैं? अभी 1.5 साल में लगभग, मानी त्योहार पे तो चले गए घूम घाम लिए हल्का फुल्का, लेकिन त्योहार पे और दिक्कत हो सकती हमारा नजदीक का लगभग 60 से 70 किलोमीटर पड़ता है मेरा घर, तो
तो जितने भी रेस्ट पड़ते हैं हम तो हर हफ्ते घर आ जाते हैं। अच्छा उसके यार साथ, आपने उसके साथ वाले बच्चे जो आते भी चेन्नई चुन लेते हैं उनको ये पता चल नहीं पता। जैसे त्योहार का होता है, जैसे हम दूर के हैं, जैसे हमारे जो एसएस हैं और एक दो लोग हैं वहाँ एकदम लोकल के पड़ जाते हैं। तो मान लीजिए दिवाली का त्योहार है, हमको घर आना है, हम रात में 0 से 8 की ड्यूटी कर लेंगे, 8 बजे हम घर आ जाएंगे। हाँ। अगले दिन हम 16 बजे ड्यूटी के लिए जाएंगे। अच्छा, जैसे फेस्टिवल भी हो गया, ड्यूटी भी हो गई, गोरखपुर का फॉर्म भरा होगा तो उस समय वैकेंसी कम थी गोरखपुर से भी, तो आपने गोरखपुर कम चूज करा क्योंकि जैसे भैया मेरे पहले से रेल में थे तो ये पता था कि ट्रांसफर का बहुत दिक्कत होता है। अगर आप अलग आरआरबी चुन रखे हैं तो ये मान के चले अगर म्यूचुअल मिलता है तभी कुछ पॉसिबिलिटी बनती है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है और बाद में लोग जाके बहुत परेशान होते हैं। और ये बच्चे समझते नहीं, ये सब समझते जहां वैकेंसी ज्यादा वहीं भरता फॉर्म। ये सोचा था नहीं आ पाता, फिर फैमिली भी सफर करती है, चीजें भी सफर करती हैं, इससे अच्छा थोड़ी सी और मेहनत कर ली जाए, थोड़ा सा अंदर से जिद आ जाना चाहिए कि नहीं हमें करना तो यहीं से करना है, थोड़ी सी मेहनत बढ़ा ली जाए। बिल्कुल। अच्छा विनय, हम जैसे सब्जेक्ट पे बात करते हैं कि आपने कैसे सब्जेक्ट में प्रायोरिटी रखा, किस हिसाब से रखा, तो थोड़ा सा क्योंकि अब काफी समय भी हो गया बात करते करते, मैथ्स रीजनिंग जीके, हाँ जी अच्छा, तो मैथ्स को आपने कैसे बेहतर करा, रीजनिंग इस तरीके से थोड़ा सा बताइए कैसे शुरुआत से आपने तैयारी को एकदम अलग तरीके से मोड़ा नौकरी करने के साथ या वैसे। वहां से आने के बाद मैथमेटिक्स थोड़ी सी मतलब थोड़ी बहुत समझ थी, लेकिन अर्थमेटिक तब भी हम लोगों ने पढ़ा नहीं था। फिर आके यहाँ स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किया तो मैथ तो ठीक हो गई मेरी थोड़ी सी, लेकिन जीके जीएस में बहुत दिक्कतें हुई है। जीके जीएस में अलग अलग जगह ऐसे हमने कोर्स परचेज किए कई जगह से, लेकिन अब तक का जो बेस्ट हमें लगा वीके सर का पढ़ाने का स्टाइल जो है, जैसे किसी एक चीज को उठाते हैं वो पूरे उसके बारे में सारी डिटेल बताते हैं, एक स्टेट उठाया उसका वहाँ घूमने की क्या जगह है, क्या पर्यटन स्थल है, क्या मंदिर है, क्या सारी चीजें वहाँ की, तो ऐसे तैयारी करना थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है। तो सबसे पहले हमने मैथ को तैयार किया था, फिर जीके जीएस। तो आप नोट्स वगैरह बनाते थे, कैसे करते थे? नहीं, नोट्स बनाते थे। अच्छा। नोट्स एक शार्ट नोट बनाते चलते थे, जैसे हमने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया तो हमने बनाया ईयर वाइज के हिसाब से, जैसे 1911 है, 1911 में जो जो घटनाएं हुई एक चार्ट करिए बना लिया, फिर 1912 में आया सीरियल से ईयर वाइज करते चले गए, जितनी घटनाएं उसे सीक्वेंस में हो गई, थोड़ी सी अपना शार्ट नोट भी बन गया जो जल्दी पढ़ने में आ सकता है। आप कैसे देते थे, वीकली देते थे कि मंथली देते थे, किस हिसाब से देते, कि डेली आपने दिया? नहीं, टेस्ट तो हमें लगता सर वो डेली देना चाहिए, मंजिल पैसे जुड़े थे, एग्जाम पास में आ गया है, सीबीटी 2 का मंजिल पैसे होना ही नहीं चाहिए। हाँ जी हाँ जी सर, सीबीटी 2 का हमने आपका मंजिल पैसे रखा था। अच्छा, आप उसी के हमने कहा ऐसा है कि वेरम मेरी मर्जी, हम 3 घंटे 4 घंटे पढ़ना चाह रहे हैं, हम जल्दी रिविजन करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि परसेंटेज का है तो हम परसेंटेज का पूरा चैप्टर आज ही पढ़े, इस हिसाब से हमने करा तो रिकॉर्डेड बैच लिया है, क्योंकि 24 की वैकेंसी आ गई है, 11,000 से ज्यादा। हाँ जी सर, नए बच्चे आ रहे हैं तैयारी करने, लेकिन इनको लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि ये कैसे पढ़ें शुरुआत से लेकर अंतिम तक? सबसे पहले तो हमें कहेंगे अपना डिस्ट्रैक्शन हटाइए और एग्जाम नजदीक मान के चलिए, जितना मैक्सिमम अपना दे सकते हैं उतना मैक्सिमम दीजिए, क्योंकि एक बार एग्जाम हो जाता उसके बाद कितनी भी है, लेकिन पढ़ना ही होगा, जैसे हम कह पढ़ने के लिए आपको पढ़ना ही होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, थर्ड ऑप्शन कोई होता ही नहीं है, किसी भी तरह आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, तो इसके लिए आपको 1 घंटे 2 घंटे नहीं सोचना होगा, एग्जाम आ गया है हमें पूरा सिलेबस भी पढ़ना होगा और साथ में उसके लिए टेस्ट भी देना होगा प्रॉपर, और टेस्ट का एनालिसिस देखना और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जहां हम गलतियां कर रहे हैं जब तक एनालिसिस नहीं देखेंगे तब तक उसके सुधार नहीं होगा। जैसे हम आपके एमडी क्लास वाला टेस्ट देते थे तो कुछ चीजें होती थी वहां से पीडीएफ से देख लिया करते थे, और कुछ चीजें नहीं समझ में आती तो वहां वीडियो का भी ऑप्शन होता था, तुरंत वीडियो पे जाके वापस से देख लेते थे, उससे चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती। मुझे लगता है कि बहुत कम ही लोग ऐसा करते हैं, लेकिन वो बहुत जरूरी है किसी बच्चे के लिए, खास करके जो एकदम फ्रेशर है उसके लिए तो बहुत जरूरी है। हां हां, बहुत जरूरी है सर। चलिए भाई, जैसे हम लोग टेक्निकल से तक नालटेक की तैयारी करने के लिए बहुत जरूरी है हर चीजों को देखना, क्योंकि आदमी का जहाँ इंटरेस्ट होता है कोई एक चैप्टर पढ़ रहा है बार बार उसी को पढ़ रहा है बाकी चीजें छोड़ रहा है, तो एग्जाम तो ऐसे होता नहीं है सारी चीजें कवर, यही होता नए बच्चों के साथ, यही होता है आपको तो अगर मैथ पसंद आती है तो मैथ ही पढ़ते रहे, वो बहुत गलती। हाँ यही चीज,
लेकिन जब टेस्ट दिया जाएगा वहाँ रैंक दिखेगा कि अच्छा इतने लोग टेस्ट दे रहे हैं, हमारी रैंक कहाँ आ रही है, तो अपने को पता चलेगा कितना और पढ़ना होगा। चलिए विनर, बात है कि आपसे बहुत अच्छा लगा, और जब भी छपिया आएंगे, जल्दी आएंगे छपिया, तो नाम याद रखेंगे विनय का, मुलाकात जरूर करेंगे। जी सर, जरूर सर, हम ओके, आपसे थैंक मिलना भी चाहते थे, बात हो गई, बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है, यू सो मच धन्यवाद विनर। सर।